छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करने वाले बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने प्रदेश के बीजेपी के एक बड़े नेता पर निशाना साधा है। उन्होंने इस्तीफे के साथ ही जो वीडियो शेयर किया है, उस वीडियो ने पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली मचाकर रख दी है। वीडियो में नंदकुमार साय ये कह रहे हैं कि एक नेता ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री तो आपको ही बनाना था, पर आप चुनाव नहीं जीत पाए। परिणाम ये हुआ कि किसी अन्य को बना दिया गया। लाठी डंडा मेहनत परिश्रम हमने किया, हमको किसी प्रकार का कोई भी दायित्व नहीं दिया गया। मेरे बड़े भाई दिलीप सिंह जुदेव को नीचा दिखाया गया। बीजेपी शासन काल में ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गए थे, कार्यकर्ता किनारे हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी में मैं इसके प्रारंभिक दिनों से ही रहा। पार्टी के वरिष्ठतम नेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता जी सिंधिया, लाल कृष्ण जी आडवाणी, सुषमा स्वराज, सुंदर सिंह भंडारी जैसे बड़े नेताओं के साथ मैंने काम किया है। मैं अटल जी को फॉलो करता था। वो भारत माता को क्या रूप देते थे, कैसा उसका वर्णन करते थे। वो कहते थे कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इस देश के संबंध में वो वर्णन करते थे, कवि थे, कंकर कंकर शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा जल है। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा मुझे आगे बढ़ाते थे और उनके स्पीच को मैं फॉलो करता था। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम बहुत सारी बातों को उनसे ग्रहण करके भारतीय जनता पार्टी में हम रहे। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पूरे देश में तीन बड़े जो राज्य थे उनको उन्होंने दो दो भागों में बांटा। हमारा छत्तीसगढ़ पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में था, उन्होंने उसको एक दूसरा राज्य बना करके छत्तीसगढ़ बनाया, बिहार को झारखंड बनाया और उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड। और इस तरह से उन्होंने प्रगति और उसकी आगे बढ़ने की भावना को आगे बढ़ाया। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे ही छत्तीसगढ़ बना, भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में नहीं थी, हम लोग अलग आए 2000 में और कांग्रेस मेजोरिटी में थी, इसलिए अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी के नेता बने, वो मुख्यमंत्री बनाए गए। मुझे माननीय अभी के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के नेता प्रतिपक्ष बनाया और हम लोग सब काम में लग गए। परिणाम ये हुआ कि अजीत जोगी से पूरी लड़ाई शुरू हो गई और सरकार बनाने के लिए मैंने सड़क पर लगातार संघर्ष किया, हाथ पांव तोड़वाए। छत्तीसगढ़ जब बना तो हम पूरी ताकत में लग गए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनाई जाए। अजीत जोगी के साथ लड़ाई हुआ, मुझे टिकट मरवाही में दे दिया गया। मैंने कहा कि मरवाही से मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, लेकिन प्रदेश को जीता दूंगा, पार्टी को जीता दूंगा और छत्तीसगढ़ मैं तपकरा से खुद जीत के आऊँगा, यहाँ नहीं जीत सकता। लेकिन यहाँ भी षड्यंत्र पूर्वक मुझे मरवाही में तो लड़ाया गया लेकिन तपकरा की टिकट काट दी गई। अजीत जोगी के साथ जब मेरा संघर्ष शुरू हुआ, मैं उसके विरुद्ध आंदोलन नगर घड़ी चौक में प्रारंभ किया था, बहुत सारे लोग थे और वहाँ पर बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ मेरे पर भी और सब पर। दाहिने पैर का घुटना टूट गया और 166 लोग घायल हो गए। उसके बाद में मैं प्लास्टर बांध करके पूरे प्रदेश का दौरा किया और इस दौरे के कारण अजीत जोगी हिल गए और परिणाम ये हुआ कि जैसे चुनाव का समय आते गया, हम बहुत तेजी से पार्टी को ऊपर ले आए। जब सरकार बने, चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी विजयी हो गई। लेकिन वहाँ मुझे आकर के बताया गया पार्टी के नेताओं के द्वारा, क्योंकि मुझे एक टिकट काट दी गई थी, कि बोले मुख्यमंत्री आपको ही बनाना था लेकिन आप चुनाव नहीं जीत पाए। और परिणाम ये हुआ कि किसी अन्य को बना दिया गया और लाठी डंडा मेहनत परिश्रम हमने किया और हमको किसी भी प्रकार के किसी दायित्व से वंचित कर दिया गया। सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके निर्माण में सबसे बड़े एक हमारे योजनाकार, लड़ाकू और तेजस्वी नेता थे दिलीप सिंह जुदेव। बंधुवर दिलीप सिंह जी
अपने मूंछ को दांव पर लगा करके कहा कि अगर सरकार नहीं बनेगी तो हम मूंछ एक तरफ काट देंगे, और उन्होंने बहुत परिश्रम किया। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि दिलीप सिंह जी को नीचा दिखाने के लिए अपने ही गवर्नमेंट में तरह तरह के षड्यंत्र हुए। जसपुर में 5-7-10 लाल बत्ती मार दिया गया। जब वो एक कार्यक्रम में थे और खुड़िया दीवान उनके साथ में बैठे हुए थे, उनको पुलिस ने जबरदस्ती घसीट करके ला करके वो अपने गाड़ी में डाल दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई उस समय, और केवल ये काम दिलीप सिंह जी को नीचा दिखाने की दृष्टि से किया गया। दिलीप सिंह जी चाहते थे कि वहाँ प्रगति भी हो, विकास भी हो, लेकिन वहाँ पर उनको कैसे किनारे किया जाए। केवल ये कार्यक्रम हुए, प्रगति बिल्कुल रोक दिया गया। बाद में उनकी जब प्रतिमा वहाँ लगाने का बात आया, उसके लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ा ये सभी लोग जानते हैं। वो सरकार ऐसा चल रही थी कि भाई कोई कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, ब्यूरोक्रेट सब काम कर लेंगे, ये उस समय का बात था। दिलीप सिंह जी हमारे प्रिय भाई इस बात का विरोध करते थे कि ठीक है कार्यकर्ता भी काम करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स तो करेगा ही, लेकिन उनकी इस बातों को सुना नहीं जाता था, और हमेशा किसी न किसी रूप में उनको कैसे नीचा दिखाया जाए ये कोशिश होती रही। दिलीप सिंह जी ने कहा कि ये तो प्रशासनिक आतंकवाद जसपुर में फैला हुआ है, इससे कैसे कार्यकर्ताओं को बचाया जाएगा, यहाँ काम कैसे होगा। लेकिन इस विषय पर कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, किसी प्रकार का इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। आज जब एक घटना हुई थी गेंद सिंह के ऊपर, कम से कम उसमें 2 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, एक SDOP निलंबित हो गया, और वहाँ पर कुछ हालांकि धरने वरने कुछ कर रहे हैं उसके विरुद्ध में, वो विफल हो गया है, लेकिन कुछ तो हुआ। आने वाले समय में जब चुनाव हुआ तो दिलीप सिंह जी को नीचा दिखाने की दृष्टि से पोस्टर बैनर से उनका पोस्ट फोटो नाम सब गायब कर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जसपुर में इतना बड़ा चुनाव हो रहा है और माननीय दिलीप सिंह जी का फोटो नाम कुछ भी नहीं है, तब दूसरा मैंने पोस्टर और बैनर बनवाया गया। ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से हावी हो रहा था, कार्यकर्ता किनारे हो गए थे, इसका विरोध करता था कि भाई यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भी सुनी जानी चाहिए, उनके हिसाब से भी काम होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स तो करें ही। तो इस बात को मैं कहूँ नहीं ऐसा करके हमेशा छत्तीसगढ़ से मुझे बाहर रखा जाता था, ताकि हम इन सारी बातों को कह ना पाएँ, देख ना पाएँ, और वो मनमानी करते रहें। मैं जनजाति आदिवासी समाज के होने के कारण बहुत सारी समस्याओं को लेकर के उस समय भी हमारे समाज के लोग आते थे, आज भी आते हैं, तो मैं उनकी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से हमेशा कहता था कि भैया ये जो जनजाति वर्ग है इसका समाधान भी होना चाहिए, जो मंत्री हैं और बड़े मंत्री लोग हैं उनको बोलता था। लेकिन उस समय मेरे विरुद्ध में एक बात कही जाती थी कि आदिवासियों की मीटिंग करके ये तो हमेशा आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करते हैं और लोगों को भड़काते रहते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे कभी पत्रकार पूछते थे तो बोलता था कि ये आदिवासी स्टेट है, आदिवासी मुख्यमंत्री हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये निर्णय करने का काम केंद्रीय नेतृत्व का है, केंद्रीय संगठन का है, ये भी बात करता था। अभी ये स्थिति हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं बहुत पुराने समय से पार्टी में काम कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाने के लिए, खड़ा करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके बहुत सारे फोटो भी मेरे साथ में शायद हों। मुझे जानकारी मिली है कि वो लोग अब उनको ऐसा भयाक्रांत कर दिया गया है, वो भयभीत हो गए हैं कि कोई फोटो वोटो है तो उसको भाई कोई मैंने किसी ऑनलाइन या किसी उसमें डालना नहीं है जिससे कोई देख सके, भयभीत हो गए हैं, और उनको ऐसा भयभीत कर दिया गया है कि अगर डॉक्टर नंद कुमार साय के साथ जिसका फोटो होगा वो पार्टी से शायद बाहर भी हो सकता है। इस तरह से करके जिस पार्टी को मैंने बहुत लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अब तक निरंतर उसको मजबूत करने में लगा रहा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मेरे साथ कोई दिख जाए, मेरा फोटो किसी के प्रति लगा हुआ हो, मैं बताना नहीं चाहता, एक व्यक्ति ने कहा कि भैया वो जो फोटो तुम डालने वाले थे उसको डालना मत, उसमें साई जी का साथ है, ऐसे हमारे कार्यकर्ता भयभीत हो गए हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अगर बनी हुई है तो
इस पार्टी से अब हट जाना ही सबसे बेहतर होगा और मैंने सोचा है कि इस पार्टी से अब मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं बहुत भयभीत, भयाक्रांत और एक तरह से व्यथित हूँ, जिस पार्टी को मैंने अटल जी से लेकर के अभी तक लगातार मजबूत करने की कोशिश की, वो उनके कार्यकर्ता भी दुखी कर दिए गए हैं कि मेरे फोटो के साथ वो कहीं दिख ना जाएं, मेरे साथ नहीं दिख जाएं। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता और सारे पदों से जिसमें भी मुझे रखा गया है उससे मैं इस्तीफा देता हूँ। और इतने दिनों तक मैं रहा, जो संगठन में लोग हैं उनको कहता हूँ कि आप पार्टी को ठीक से चलाइए, मैं इसकी प्राथमिक और सभी पदों से आज इस्तीफा दे रहा हूँ।